खालिस्तानियों के जनमत संग्रह पर खामोश बैठे कनाडा को जब चीन ने सरेआम धमकाया तो वो भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सबके सामने चेतावनी दी तो कनाडा की सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया। कनाडा की सरकार ने चीन से बदला लेने के लिए भारत का रुख किया है। कनाडा भारत को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मजे की बात देखिए कि भारत लगातार कनाडा को चेतावनी देता रहा कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन कनाडा ने भारत की चिंता को नजरअंदाज किया। अब इसे कर्मों का ही फल कहिए कि जब चीन ने कनाडा की धज्जियां उड़ाई तो आज वही कनाडा भारत को खुश करने में लगा है। कनाडा ने लंबे समय से चली आ रही अपनी नीति में बदलाव करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य खर्च बढ़ाने का फैसला किया है ताकि चीन से बदला लिया जा सके और उस पर दबाव भी बनाया जा सके। इसके लिए कनाडा को भारत की जरूरत है। आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने की हिम्मत सिर्फ भारत में ही है, इसीलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन के कई पड़ोसी देशों ने भारत के साथ समझौते किए। अब इसी कड़ी में कनाडा ने भी अपना रणनीतिक डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट में कनाडा ने 27 बार भारत का नाम लिया है। आपको याद होगा कि हाल ही में अमेरिका और फ्रांस ने भी अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स में भारत का जिक्र किया था। इन देशों के स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स में भारत का नाम आना दिखाता है कि इन सभी को चीन से टक्कर लेने के लिए भारत की कितनी जरूरत है। कनाडा की सरकार ने चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जिस हिंद प्रशांत रणनीति को जारी किया है उसमें $1.7 बिलियन का खर्च शामिल है। इस पैसे का इस्तेमाल इस क्षेत्र में ज्यादा नौसेना गश्त, बेहतर खुफिया और साइबर सुरक्षा के उपाय के लिए किया जाएगा। कनाडा को अपनी इस हिंद प्रशांत रणनीति के लिए भारत की जरूरत है।